लगता है आपने इसे यहाँ लाने में काफी विलंब कर दिया है। इस पर औषधि असर नहीं कर रही है। नहीं 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 चंद्र, नहीं नहीं, तुम मान नहीं सकते। तुम्हें लौटना होगा, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, आचार्य चाणक्य के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए। तुम्हें लौटना होगा, लौटना होगा। तुम्हें तुम हार नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। चंद्रगुप्त, सत्य कहा है किसी ने, यदि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती। अब ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। अब मुझे नदी के तट की मिट्टी की आवश्यकता है ताकि इसके उपचार के लिए लेप तैयार कर सकूं। मैं ले आती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओगे पुत्र। काल बनकर आए थे ना तुम, अब देखना ये धनानंद तुम्हारा काल बनकर कैसे तुम्हारा अंत करता है। आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक माँ खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर। करो प्रहार। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस वंश, और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था, उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा, और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय Come on!
बलदेव। आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए, मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं हूँ। किंतु आचार्य, मेरी बात समझने का प्रयास। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से, महारानी ले जाइए इसे। लगता है हमारी पिछली भेंट के पश्चात आपने तलवार चलाने का बहुत अधिक अभ्यास किया है अमात्य राक्षस। विष्णुगुप्त, परंतु आप युद्ध विद्या में कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाएं अमात्य राक्षस, आपका कोई भी प्रहार मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक बार प्रेरित होता है अधर्मी धनानंद के प्रति आपकी निष्ठा से, और मेरा प्रत्येक बार प्रेरित होता है मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उसके प्रति मेरी निष्ठा से। व्यक्ति जो बोता है वही पाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ, पुनः भेंट होगी। चलो। महारानी, हमारे पास समय अत्यंत कम है, हमें शीघ्र ही नदी के मार्ग से वापस चलना चाहिए। आचार्य, हाँ, हम नीचे की ओर नहीं जा सकते, वहां से बहुत से सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं और अमात्य भी जाल से बाहर आ चुके हैं। यदि हम नदी के मार्ग से नहीं जा सकते तो हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है, पर्वत की चोटी। चंद्रगुप्त, पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, कर पाओगे? वहां देखिए अमात्य, वो लोग पहाड़ी की शिखर की ओर जा रहे हैं। मूर्ख हैं ये नहीं जानते कि किस संकट की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने तो इन्हें अपनी मृत्यु की ओर। नहीं, हम उन क्षत्रियों को बचने का कोई अवसर नहीं देंगे।
ऊपर चढ़ो, शीघ्र करो। चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानें देखिए, यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजालिक, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। कूदो! यहां से वो सबके सब कूद कर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ, शीघ्र करो। चंद्रगुप्त मौर्य है।